वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में गरीब परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच बाड़मेर में जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय विधायक मेवाराम जैन भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सेरा ने। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति के बाद जिस प्रकार से प्रशासन, पुलिस और मेडिकल की जो लोग हैं वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन हैं, जो लॉकडाउन के बाद से लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जो सुविधाएँ मुहैया करानी होती है वो करा रहे हैं, प्रशासन के अधिकारियों से भी लगातार मिल रहे हैं। सर, अब जिले की क्या स्थिति है? जिले की स्थिति संतोषप्रद है और मैं खुशी इस बात की है कि एक भी पेशेंट कोरोना का हमारे बाड़मेर ज़िले में नहीं है। सारे चाहे मेडिकल पूरा स्टाफ सक्रिय है, पुलिस सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है, डॉक्टर की टीम सक्रिय है और बाड़मेर की जनता सक्रिय है, भौमासा सक्रिय है, जो अपने धन का सदुपयोग इसके लिए खूब आगे बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री की हमारे मंशा है कि राजस्थान कोई भूखा नहीं सोए, किसी को इलाज की बगैर कोई परेशानी नहीं हो, ये उनकी जो सोच है उसको हम सब फॉलो कर रहे हैं और एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, सबकी मदद कर रहे हैं। सब दानदाता भी आ रहे हैं और प्लस मैं उन सब से अपील भी करना चाहूँगा कि ऐसे जो आज समय ऐसा है, इसमें सबको अपने धन का सदुपयोग करें और सब सहयोग करें। और जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जो हमें घर रहने का कहा है, हम उसमें घर पे रहें, किसी को बाजार में अनावश्यक रूप से नहीं घूमने दें, उसमें सहयोग करें, ये अपने लिए ही कर रहे हैं। और रही बात मेडिकल्स की, आज कलेक्टर साहब आए, उन्होंने बाड़मेर अस्पताल को भी अच्छी तरह से देखा, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, क्या ठीक कर रहे हैं, कोई कमी पेशी थी उसमें, कोई एक दो चीज़ें मंगानी भी थी तो उसमें एमएलए फंड से मैंने पैसे देने की भी बात हुई। और इस बीमारी को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए, कि सरकार ने ये भी कहा कि अभी बिल्कुल नॉर्मल है, बाड़मेर कोई नहीं है, भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति आवे तो उसके लिए क्या तैयारी है, तो उसके लिए जगह ये मेडिकल कॉलेज देखी कि हाँ अगर 100 बेड लग जाते हैं, अगर आवश्यकता हुई तो क्या है, तो देखा ठीक है, यहाँ सारे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और फिजिबल जगह भी है, शहर के बाहर भी है, सारी फैसिलिटी, डॉक्टर भी यहाँ रहते हैं और जगह भी है, तो ये जगह उपयुक्त भी है। आप भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे ऐसी स्थिति आवे ही नहीं, बाड़मेर अच्छा है, अभी जो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो ये आने वाले दिनों में नॉर्मल हो जाएगा। और सभी से अंत में यही निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर सहयोग करें, इस कोरोना को भगाएं और राजस्थान को और भारत को। सर, जैसा देखा जा रहा है कि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खाद्य सामग्री लगातार पहुंच रही है भामाशाहों के सहयोग से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है वहां अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां लोगों को थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, तो उसके लिए प्रशासन से बात करके किस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं? अभी कलेक्टर साहब से हम यही चर्चा कर रहे थे, आज 4,000 पैकेट एक दानदाता भामाशाह ने दिया, ऐसे ही कल दिए, परसों दिए, गाँव में भी दे रहे, हर मुख्यालय जो SDO मुख्यालय है वहाँ पे भी भामाशाह लोग दे रहे हैं, प्लस पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि गांवों के अंदर भी ऐसे जितने उनको चिन्हित करेंगे और वहाँ तक राशन पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक गेहूँ वाले थे, सबको फ्री सप्लाई शुरू हो गई है, 7 दिन में सबको वो गेहूँ बन जाएंगे, पेंशन है 1 तारीख से उनके खातों में आ जाएगी। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा जो मजदूरी भी हैं उनको उनके खाते में 1500 रुपये और 2000 रुपये के डालने की उनके खातों में भी डाले जा रहे हैं। तो सरकार सब तरह से प्रयास कर रही है, प्लस भामाशाहों के सहयोग से हम ऐसा प्रयास ग्रामीण एरिया में भी करेंगे, कोई भूखा नहीं सोएगा, जो गरीब है उसकी मदद में हम सब और भामाशाह आगे आ रहे हैं, प्रशासन और सब सहयोग करेंगे, किसी को भूखा सोने नहीं देंगे और सबकी व्यवस्था करेंगे और बाड़मेर तो अच्छा है और अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये मेवाराम जैन थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि बाड़मेर का कोई भी नागरिक इस महामारी से भूखा नहीं सोएगा, न ही किसी प्रकार की परेशानी होगी। अशोक सेरा, बाड़मेर।